क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश राज्य ओपन बोर्ड के गेट के पास स्थित यूको बैंक के एटीएम में तोड़फोड़ कर चोरी का प्रयास करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि वह एक कैब चालक है। खर्च के लिए पैसे नहीं होने पर उसने चोरी की साजिश रची। उसने कैश पैनल को पेचकस से तोड़ दिया, हालांकि कैश ट्रैक तक नहीं पहुंच पाया। एटीएम में लगे कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हो गई और पुलिस ने उसे पहचान कर गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि रोटरी क्लब के पीछे टीटी नगर निवासी कैलाश सिंह को गिरफ्तार किया गया है। वह एक कैब चालक है। बीती रात उसके पास सिर्फ 20 रुपए थे। खर्च के लिए उसने एटीएम में चोरी की साजिश रची। वही साजिश के तहत वह एमपी नगर के यूको बैंक के एटीएम बूथ पर पहुंचा, जिसके बाद पेचकस पाना से एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि वह चोरी में सफल तो नहीं हो सका, लेकिन सुबह बैंक के अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस ने एटीएम का कैमरा चेक किया और इसमें एक युवक एटीएम में तोड़फोड़ करते दिखा। आरोपी की पहचान कर कैलाश सिंह के रूप में हुई, जिसे पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।